ड्रैगन फ्रूट देख रहे हैं मेरे हाथ में, तो ऑब्वियसली आज हमारे किचन में ड्रैगन फ्रूट के साथ ही कोई रेसिपी बनेगी। तो कई सारे प्रकार के जाम, कई सारे फ्रूट्स के साथ आपने बनाए होंगे, लेकिन आज हम बनाएंगे एक बहुत ही यूनिक सा जाम। दिखने में जितना यम्मी है, टेस्ट में उतना ही डिलीशियस लगता है। बच्चे क्या, आप भी इसे जरूर पसंद करेंगे। बनाना एकदम आसान है, मिनटों में तैयार हो जाता है। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है एक ड्रैगन फ्रूट। इसे मैंने पहले से ही अच्छे से वॉश कर लिया था। बीच में से इस तरह से कट करेंगे और अब हमें इसका जो बाहर का छिलका है इसे निकाल देना है। छिलका निकालना भले ही थोड़ा हार्ड दिखता हो दिखने में, लेकिन निकालने में बहुत ही इजीली निकल जाता है। तो इस तरह से इसका छिलका निकाल देते हैं और देखिए बहुत ही खूबसूरत सा कलर है इसका अंदर से। वैसे ड्रैगन फ्रूट दो तीन कलर में भी आता है, येलो कलर में भी होता है, व्हाइट में भी, और इस तरह से डार्क पिंक कलर में भी आता है। तो यहाँ पर हमने लिया है डार्क पिंक वाला और बस अब हमें छोटे छोटे टुकड़ों में इसे इस तरह से कट करना है। वैसे आज मैं इसका जाम तैयार कर रही हूँ, आप चाहे तो इसी मेथड के साथ इसका क्रश भी तैयार कर सकते हैं। वैसे ड्रैगन फ्रूट जो है टेस्टी तो होता ही है, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी होता है। ड्रैगन फ्रूट मेरा तो बहुत फेवरेट है, क्या आप भी इसे पसंद करते हैं ज़रूर बताना। कट करने के बाद इस तरह से इसे थोड़ा सा क्रश कर लेते हैं ताकि जो बड़े बड़े पीसेस हों वो भी छोटे छोटे हो जाएंगे। अब पैन रख दी है मैंने गैस पर और इसमें ये जो सभी ड्रैगन फ्रूट के पीसेस हैं इन्हें डाल देते हैं। बहुत ही प्यारा कलर होता है इस पिंक वाले ड्रैगन फ्रूट का। और जाम बनाने के लिए एडिशनल ऊपर से कोई कलर ऐड करने की हमें ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, बहुत ही नेचुरल कलर में ये तैयार हो जाता है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे एक कप चीनी। एक ड्रैगन फ्रूट के लिए एक कप चीनी ली है हमने। और बस चीनी ऐड करने के बाद अब हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे कंटिन्यू चलाना है जब तक कि ये जो चीनी है पूरा पानी ना छोड़ दे। तो जैसे ही चीनी इसमें पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाती है तो ये जो मिश्रण है बहुत ही लिक्विड हो जाता है। तब हमें इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर कंटिन्यू चलाना है क्योंकि इसके छींटे भी उड़ते हैं, तो थोड़े ध्यान से इसे चलाइएगा। अब धीरे धीरे मिश्रण जैसे ही गाढ़ा होता जाएगा तो हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा एक नींबू का जूस। नींबू को कट करके इसके जो बीज हैं इन्हें निकाल देते हैं और एक नींबू का जो जूस है इसमें निचोड़ देते हैं। इसमें नींबू ऐड करना बहुत ज़रूरी है, एक तो नींबू प्रिजर्वेटिव का भी काम करेगा और दूसरा इसमें चीनी के क्रिस्टल बिल्कुल भी नहीं बनने देगा। तो देखिए इस तरह से इसका जो झाग है धीरे धीरे कम होने लग गया है, कलर और भी डार्कर होने लगा है। तो 4 से 5 मिनट तक ही अब हमें इसे आगे चलाना है। लेकिन अगर आप इसे एज अ क्रश यूज़ करना चाहते हैं केक डेकोरेटिंग के लिए या टॉपिंग के लिए, तो थोड़ा सा लिक्विड थाली में डाल दीजिए। धीरे धीरे इस तरह से ये जो लिक्विड है नीचे बहता जाएगा, इसका मतलब हमारा जो क्रश है बिल्कुल राइट कंसिस्टेंसी में है। तो इस स्टेज पर गैस को बंद करके आप इसे ठंडा होने के बाद किसी कंटेनर में भरकर रख सकते हैं। बट क्योंकि मुझे इसका जाम प्रिपेयर करना है तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए और पकाऊंगी और इस तरह से ये जो मिश्रण है गाढ़ा दिखने लग जाएगा। लेकिन अभी भी रनी मिश्रण है, ये इस तरह से स्पैचुला से नीचे गिर रहा है। तो बस अब हमें गैस को करना है बंद। अभी आपको थोड़ा सा लिक्विड ही लगेगा लेकिन ये पूरी तरह से जब ठंडा हो जाएगा तो बिल्कुल सेम जाम की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। इससे ज़्यादा अगर आप इसे पकाएंगे तो ठंडा करके हम इसे जब फ्रिज में स्टोर करते हैं तो इसमें चीनी के क्रिस्टल्स जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। इसलिए इसी कंसिस्टेंसी के साथ अब हमें गैस को करना है बंद। इसे टोटली ठंडा करेंगे और देन हम किसी कंटेनर में भरकर इसे फ्रिज में रख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा मिश्रण में थाली में फिर से निकाल कर आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। उंगली से अगर आप इस तरह से इसे गिराएंगे तो एक गाढ़ी सी चाशनी इसकी इस तरह से दिखने लग जाएंगी। तो लीजिए यहाँ पर आपका ड्रैगन फ्रूट का क्रश या ड्रैगन फ्रूट जाम बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसे केक के लिए भी यूज कर सकते हैं या फिर ब्रेड के साथ या रोटी के साथ भी अप्लाई करके बच्चों को दे सकते हैं। तो इसे जरूर ट्राई करिए। ठंडा होने के बाद किसी कंटेनर में भरकर रख दीजिए,
तो महीनों तक आप इसका यूज कर सकते हैं। चलिए, पूरा ठंडा होने के बाद यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। फ्रिज में रखने के बाद ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज के ड्रैगन फ्रूट जाम की रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो वीडियो खत्म होने से पहले इस रेसिपी के लिए एक लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। और बाहर से कोई चीज़ खरीदने से अच्छा है इसे आप अपने हाथों से घर पर बनाकर अपने बच्चों को खिलाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के ऑल बटन पर क्लिक करना है। और इस रेसिपी के लिए एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। तो रेसिपी आपको कैसी लगी इसके बारे में मुझे कमेंट करिए। फिर से मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।